हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर एनिमेशन में। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ख़ास करके पूरे वर्ल्ड के लिए। अभी पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से परेशान है, जो है मोटापा, ओबेसिटी, वज़न का बढ़ना। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कई लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पाते हैं। उनके लिए एक स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जीना उतना आसान भी नहीं हो पाता। मोटापा एक ऐसी अवस्था है जिसमें वजन बढ़ने की वजह से आपके शारीरिक रूप में बदलाव भी आता है और आपके शरीर में अन्य रोगों को जन्म भी मिलता है। इस बीमारी से अत्यधिक मात्रा में चर्बी आपके शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। समय पूर्वक अगर निदान नहीं हुआ इस चीज़ का तो आगे चल के और भी खतरनाक सारी बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। मोटापा का निदान आपके बॉडी मास इंडेक्स के बलबूते पर किया जाता है। इसकी गणना आपके वजन और कद को भाग करके निकाला जाता है। अगर आपका BMI लेस देन 18.5 है तो आप अंडर वेट हैं, सामान्य से कम वजन है आपका। अगर आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 टू 22.9 तक है तो ये नॉर्मल माना जाता है रेंज। भारत का जो BMI तय किया गया है वो और कंट्री की तुलना से अलग है। अगर आप 23 टू 24.9 तक हैं तो आप ओवरवेट हैं। अगर आप 25 टू 29.9 तक BMI है अगर, तो आप क्लास 1 ओबेस हैं। अगर आपको जो है मोर देन 30 आपका BMI है तो आप क्लास 2 ओबेस हैं। अब हम जानेंगे मोटापा होने के क्या मुख्य कारण हैं। सबसे पहला है स्वस्थ जीवन शैली। ज़्यादा तेलयुक्त आहार और जंक फूड के सेवन से यदि आपके शरीर में कैलोरी जमा होने लगे और आप रोज अस्वास्थ्यकर भोजन खाएं और नियमित तौर पर व्यायाम भी ना करें, इस वजह से शरीर में चर्बी एकत्र होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है हार्मोनल। हार्मोनल जैसे PCOD, हाइपोथायरायडिज्म और कसिंग सिंड्रोम जैसे हार्मोनल समस्याओं की वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है। अतिरिक्त हार्मोन के अलावा कुछ दवाएँ जैसे स्टेरॉयड या एंटीसाइकोटिक्स के सेवन से भी आपके वजन पर असर पड़ सकता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जेनेटिक काउच, अनुवांशिक कारण। परिवार में अगर आपके अनुवांशिक कारणों की वजह से भी अगर मोटापे का खतरा है, इसका मतलब जन्मजात रोग की वजह से शिशु को जो है बचपन से ही मोटा होने की प्रवृत्ति दिखेगी आपको, और उसमें जो है अत्यधिक भूख जो है से जुड़े हुए लक्षण मिलेंगे। हाइपरफेजिया से भी जुड़ा हो सकता है। और एक चौथा कारण है खास करके सिजेरियन। अक्सर करके जो महिलाएँ सिजेरियन डिलीवरी करवाती हैं, अपना सिजेरियन जो है बच्चा पैदा करती हैं, जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, उन कंडीशन में जो है ऑपरेशन के बाद बच्चा पैदा होने के बाद खास करके लोअर एब्डोमिन का जो हिस्सा है वो काफ़ी बढ़ जाता है और फिर जो है अपने पुनर्स्थान पे नहीं जाता है, जो कि काफ़ी भद्दा और काफ़ी बेढंगा दिखता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको हम एक बेहतर उपाय बताएंगे और एक होम्योपैथिक दवा बताएंगे जिसके सेवन से आपका मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि मोटापा से शरीर पर क्या असर पड़ता है। दुनिया भर में मोटापे से पीड़ित लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यह रोग आपकी जीवन शैली के विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। मोटापा से जो है सबसे पहली जो बड़ी परेशानी है वो है टाइप 2 डायबिटीज़ या हाइपरलिपिडेमिया, मतलब डायबिटीज़ होने का खतरा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा हो जाता है, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप जो होता है, या स्लीप एपनिया या अर्थराइटिस, या पित्त में पथरी होना, या कोई कोरोनरी हार्ट डिजीज होना, या जो है फैटी लीवर होना, या हार्मोनल डिसबैलेंस, या हाइपोगोनाडिज्म, या कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि आमतौर पर माना जाता है वजन बढ़ना मोटापा का एकमात्र लक्षण नहीं है, मोटापा के लक्षण शारीरिक बदलाव के रूप में भी महसूस हो सकते हैं, जैसे कि अनियमित मेंस का होना, अनियमित तौर पे मासिक का होना मतलब समय से ना होना, या नींद में बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, स्नोरिंग का होना, नाक का बजना, और हो सकता है आप दिन में भी काफ़ी ज़्यादा सोते हों, घुटनों में दर्द हो सकता है, सांस फूल सकता है चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, गर्दन के पीछे या जो है खास करके बैक हिप के एरिया में जो है आपके जो स्किन है वो डार्क होने लगे, काला होने लगे, जिसको एक्नेथिस नेग्रिकेंस बोला जाता है, या पेट पर असाधारण या पिंकिश कलर के जो है स्ट्रेच मार्क आने लगे। अब हम मोटापा को कैसे कम करें उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला चीज़ है जीवन शैली में परिवर्तन करना, लाइफ स्टाइल चेंजेस, जैसे कि ज़्यादा फैट और स्टार्च युक्त भोजन जो है, या ज़्यादा तेल में भुना हुआ खाना, या क्रीम युक्त जो भोजन है
या प्रोसेस या पैक्ड फूड जो है जंक फूड आदि का सेवन कम से कम करें और अपने खाने के पकाने के तरीके पर ध्यान दें और मांसाहारी खानों का सेवन या कोरमा या ग्रेवी के बजाय भुने तरीके से करें। फूड प्लेट मेथड के इस्तेमाल से आप अपने भोजन पर संतुलन रखें। आपके थाली में 2 सर्विंग सब्जियां हों, 1 सर्विंग प्रोटीन जैसे दाल पनीर या अंडा हो या 1 सर्विंग अनाज जैसे आटा ज्वार बाजरा होना चाहिए। इसके अलावा हफ्ते में 5 से 6 दिन आधा घंटा डेली पैदल चलें सवेरे या शाम में। अगर सवेरे में आधा घंटा चल सकते हैं तो और बेहतर है, नहीं तो आप 15 मिनट सवेरे या 15 मिनट शाम ऐसे करके भी चल सकते हैं। या आप अगर डांस करते हैं तो डांस करें या एरोबिक्स करें या स्विमिंग करें या साइकिलिंग करें, आपके सेहत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियमित तौर पर व्यायाम करने की आदत डालने पर सिर्फ वजन कम ही नहीं लेकिन हार्मोन्स भी संतुलन में ही रहते हैं। अब हम इसके कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिनके बहुत ही अच्छे परिणाम हैं, जिनके इस्तेमाल से आपका वजन काफ़ी आसानी से और कम समय में कम हो जाएगा। सबसे पहली जो हमारी दवा है वो है कैल्केरिया का। कैल्केरिया काढ़े को 200 पेटेंसी में लेना है डेली सुबह सुबह में, 2 बूंद डायरेक्ट जीप पे लेना है। कैल्केरिया का पेशेंट जो है मोटा होता है, थुलथुला होता है और इसको जो है पसीना ज़्यादा होता है। इसके पैर जो है काफ़ी ठंडे रहते हैं, जैसा लगता है कि कभी गर्म ही ना होते हों बिस्तर में भी जाने पे, और इसको अंडा खाने की चाहत काफ़ी होती है और ये जब कब्ज से सफ़र कर रहा होता है उस समय इसका सारा परेशानी काफ़ी आराम रहता है। ख़ास करके वैसे कंडीशन में जब आपके मोटापा का कारण सिजेरियन डिलीवरी हो, वैसे कंडीशन में कैल्केरिया का काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म से सफ़र कर रहे हो, खास करके थायराइड की जो समस्या है, वैसे कंडीशन में कैल्केरिया का काफ़ी उपयोगी है। दूसरी जो हमारी दवा है वो 3 दवाओं का मिश्रण है, 3 दवाओं का कंपोजिशन है। तीनों दवाओं को एक साथ में ले लेना है और 3 दवाओं को 10-10 बूंद आधे कप पानी में डालना है। एक बार 10-10 बूंद डालना है तो 30 ड्रॉप हो जाएगा तीनों दवाओं का मिलके। तीनों दवाओं का नाम हम बता देते हैं, आपको पिक्चर भी लगा देते हैं। सबसे पहली जो दवा है वो है फाइटोलका बेरी। फाइटोलका बेरी जो है हमारी भूख को कम करता है। अगर हमको ज़्यादा खाना खाने से हमारा वज़न बढ़ रहा हो, बार बार बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती हो, वैसे कंडीशन को ये कंट्रोल करता है, भूख की जो है इच्छा है उसको कम करता है। दूसरी जो दवा है वो है फ्यूकस वेसिकुलर। फ्यूकस वेस का काम है खास करके वैसे कंडीशन में नॉन टॉक्सिक गोइटर। नॉन टॉक्सिक गोइटर मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन से अगर आपका जो है वज़न बढ़ा हो, वैसे कंडीशन में फ्यूकस भेस काफ़ी उपयोगी है। फ्यूकस भेस को क्यू पटेंसी में लेना है। तीसरा जो हमारा मदर टिंचर है वो है गार्सिनिया कम्बोजिया। गार्सिनिया कम्बोजिया जो है एक नेचुरल फैट कटर है। फैट को डिजॉल्व कर देने की क्षमता है इसमें, जो कि एक बहुत ही एक्सपेंसिव औषधि है। इसको जो है सेंट जॉर्ज कंपनी बनाती है इसका मदर टिंचर, और एक बायोफोर्स कंपनी है, ये दोनों कंपनियां जो हैं इसका मदर टिंचर बनाती हैं। जो भी हमने 3 मदर टिंचर बताए तीनों को आपको ले लेना है 30-30 ml की फाइल, और जो है तीनों में से 10-10 बूंद आधा कप पानी लेके उसमें तीनों को मिला देना है। 10-10 बूंद 30 ड्रॉप हो जाएंगे, तो 30 ड्रॉप जो है सवेरे आपको लेना है एक बार, और फिर दोपहर में लेना है और शाम में लेना है। जब भी लेना है खाली पेट लेना है। कैल्केरिया कर्व लेने के आधा घंटे बाद इन दवाओं को लेना है और डेली जो है आपको इस्तेमाल करना है, और जो भी हमने एक्सरसाइज बताएं उसको करना है। और वेट लॉस 1 महीने में बिल्कुल नहीं होता है, जैसे बहुत सारे यूट्यूब या बहुत सारे वीडियो दावा करते हैं कि बिल्कुल 1 महीने में इतना वज़न घटा है। वज़न घटेगा लेकिन 1 महीने में ही नहीं घटेगा। इसका इस्तेमाल आपको लगातार कम से कम 3 से 4 महीने तक करना पड़ेगा, और खान पान पर आप कंट्रोल रखिएगा और आप जो भी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं करिएगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ होइएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो आपके लक्षणानुसार आपके वेट को कम करने में उपयोगी हैं, इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि जब आप दवा लें या अपना मोटापा कम करने की परेशानी को ट्रीट करें तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार ज़रूर संपर्क करें। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो और आप लोगों का वज़न कम हो। इसी तरीके से हमसे आगे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जो भी क्वेरी हो आप पूछें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।